हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मंडे सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ गए हैं क्योंकि कल हमने ऐलान किया था कि हम फिट होंगे, तो अभी थोड़ा सा वॉक करके आएंगे। हाँ हाँ मम्मी देख, हाँ ठीक है, हमारे लिए जल्दी होता है। सुबह सुबह ये सब इतने सारे बीज जो बिल्कुल ताजा ताजा इंस्टाग्राम की देख रेख है, क्या अच्छा नहीं है इंस्टाग्राम की? ये हम रेगुलर खाते हैं, वही मतलब पिछले आधे एक साल से ही अभी आप देखो हमारे घर में कितनी हेल्दी चीजें हैं। मैं पूरे दिन दिखाऊंगा हम कैसे हेल्थ को कंटिन्यू करते हैं। हे भगवान, थोड़ा सा काम लाना। इस वक्त तो धूप निकली हुई है पूरी, तो वॉक कहाँ करूँगा? इस तरफ जाता हूँ, इस तरफ आई थिंक छाँव मिलेगी। और इसका प्रॉब्लम ये है कि सुबह के बज चुके हैं 9 और अब तो मैं निकलूँ थोड़ी सी वॉक करने के लिए तो ज़्यादा कर भी नहीं पाऊँगा। बाय 10 o'clock मैं जनरली अपनी सीट पे बैठ जाता हूँ, तो अभी बस आधा घंटा करेंगे, उसके बाद जाके नहाएंगे धोएंगे खाएंगे और अपनी सीट पे बैठ जाएंगे आज का ऑफिस का काम करने के लिए। मेहनत करने के बाद मेरे हुए हैं 3000 स्टेप्स। जैसे आज मैंने पूरी बिल्डिंग का राउंड लगाया और मेरे को पता चला कितनी देर में एक राउंड लगता है, 12:19 एक राउंड लगता है। वो नहीं मैंने देखा, वो भी मैं रात को जाके देखूंगा शाम को। 2-3 राउंड लगाए, 3000 हो गए। इस लड़की की देखो अभी आँख इतनी बंद है। नेक्स्ट काम जरा इस सेटअप को अपने ऑफिस के सेटअप में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। राइट नाउ दिस इज गिविंग अ वीकेंड लुक, इट हैज टू नाउ स्टार्ट गिविंग अ वीकडे लुक। बनाना शेक। पापा एक बारी 15 मिनट की, एक बारी बीच में मैंने चेक किया, बीच में माइक ठीक ना, पहले ठीक ना बाद में ठीक, बीच में ठीक। पापा ने आधा घंटा बोला बैठ के और वो माइक बोया का माइक शाम की हंगर पैंक्स के लिए जब हम उठा के मठियां और बिस्किट और कचौरियां खाते हैं जो इस डब्बे में पड़ी हुई हैं साथ में, अब हम शायद ये खाएंगे। खाना चाहिए जो हम सजा के रखते हैं टेबल पे, इसको हम सजाते हैं, हम खाते वो हैं। और आज मम्मी ने मसाला भिंडी बनाई है टेस्टी वाली। आज मसाला भिंडी चटनी कलवाली तोरी कलवाली बची हुई और अभी काली दाल आएगी। खोल दिया, देखा, शेक वेल बिफोर यूज। ये एक्सपेरिमेंट भिंडी किसने बनाई है? किसी को बस दही में तड़का लगा दो, दही में घी से तर ओए घी सारा नीचे गिर गया। तू तो रोटी नहीं खाएगी? एक टेस्ट फूड मतलब ऐलान तो मैंने किया था फिट होने का, मैं भी डाइट कर सकती हूँ। वाह प्लेट तेरी इतनी अच्छी भी लग रही है, ओ सैलेड है कल वाला। चलो भाई ब्रेक खत्म, बैक टू वर्क। मेरे स्टडी टेबल पे कब्जा हो गया, इस मैडम की कॉल हुई है, इन मैडम को चाहिए ये मेरा अच्छा प्रॉपर सा सेटअप, तो अब ये यहाँ बैठ के प्रॉपर कॉल करेंगे। यू आर मैडम, यू आर नॉट मैडम, मैडम बताए किस में? अच्छा बता कौन सी मूवी में है मैडम? नहीं मैडम, साउथ इंडियन मूवी मैडम, यस अल्लाह भाई बोलता है ना उसमें मैडम। और आज हमारी स्पेशल डिमांड है चिली पनीर, ये पापा का चिली मशरूम पनीर, चिली मशरूम पनीर, ये पापा का स्पेशल चिली पनीर है। चिली है इसमें, चाहे पनीर डालो चाहे मशरूम डालो, मशरूम बस
मसाले वही हैं जो मर्जी बीच में डाल। इसकी शक्ल थोड़ी मार्केट वाले से अलग लगती है लेकिन ये होता बड़ा टेस्टी है। तो ये पापा ने आज बनाया और इसके साथ हम चपाती खाएंगे और मम्मी के लिए लच्छा पराठा। जयशित तेरे बाल गिर रहे हैं। इन सर की बदौलत हम ट्राई करेंगे कि जेशी का हेयर फॉल बंद हो जाए। हाँ स्ट्रेस तो हर चीज में डाल दो ना। आपकी बीमार क्यों, स्ट्रेस बाल क्यों झड़ रहे हैं, स्ट्रेस एक्ने क्यों है, स्ट्रेस फैमिली हिस्ट्री। चलो फोन घुमाओ सारी फैमिली को। भाई साहब आपके बाल कब झड़ने शुरू हुए थे? आज हम लाहौर का लिटिल इंडिया देखेंगे। ओ इसमें भी बालों के बारे में बात हो रही है। पचास सो गाइस अभी हमने डिनर कर लिया बहुत जल्दी, अभी 9 भी नहीं बजे और हम डिनर करके बैठ चुके हैं और हमारे पास अभी कोई और काम नहीं है। जेशी बैठ के कुछ नहीं कर रही, ये भी थोड़ी टाइम पास कर रही है, इंस्टाग्राम कर रही है। पापा अपने स्टेप्स और पूरे कर रहे हैं, याद नहीं रहेगी। और मम्मी 90s की हीरोइन की तरह दीवार के पीछे अपने पति देव को ताड़ते हुए। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। जेशी को अपना फोन नहीं मिल रहा है, हम कॉल कर करके थक गए। है तो फोन घर के अंदर लेकिन मिल नहीं रहा है, बेचारी कब से लगी पड़ी है। हे भगवान, पहले बता साइलेंट क्यों? पहले साइलेंट नहीं था, दिखाइयो, दिखा दिखा दिखा, झूठ कर ले एकदम से चेंज। अभी साइलेंट नहीं था, वाइब्रेशन पे था। पूरा ढूंढ के रात के 9:30 स्टेप्स चेक, क्योंकि 9:30 बज गए। जेशी का कल सुबह एक मेडिकल टेस्ट है और इसको 12 घंटे की फास्टिंग करनी है, तो बेचारी ने जल्दी जल्दी से सब कुछ कह के 9:30 बजे खा नहीं सकती। बहुत ज्यादा खा ली है कि रात को भूख ना लगे। और अभी हम देखने लगे हमारे जेशी, तू बता तेरे कितने स्टेप्स हो गए? मेरे 7661, मेरे 5400, बट मैंने दिन में पहने ही नहीं हुई थी वॉच। पास आ गई तू? अच्छा मैं ही जीतती हूँ हर रोज। गुरु अपनी ही वीडियो देखते हुए व्यूअरशिप वो बढ़ानी है ना। पापा वहाँ व्यूअर्स बढ़ा रहा हूँ। पापा अपने वॉच टाइम बढ़ा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लिमिट होती है कि 4000 वॉच टाइम करने होते हैं। पापा आपके खुद के उससे चैनल से नहीं गिनता यूट्यूब। आप सच्ची में वो बढ़ा रहे हो बैठ के? लंदन एक बार पहुँचने वाले थे तो हमारा 20 लोगों का ग्रुप था मोहाली से ही, तो आपस में हमारी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हुई हुई थी। ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने जब अनाउंस किया ना कि प्लेन इज गोइंग टू टेक ऑफ एंड दिस एंड दैट, तो हीथ्रो एयरपोर्ट हम लोग इतने एक्साइटेड, ऑल ऑफ ए सडन वहाँ प्लेन उतरा और क्या पुलिस हमारे एयरक्राफ्ट के अंदर, और जब वो अंदर आए हम सारे, उन्होंने सबको कहा ऐसे बैठ जाओ, सब हम ऐसे अंदर जाते 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 हमारे ग्रुप के जो सबसे सीनियर एक थे अंकल जी टाइप, आंटी और अंकल, अंकल को अरेस्ट करके ले गए वो, और आंटी पीछे पीछे घसीटती हुई जा रही है, कहाँ लेके जा रहे हो। उसके बाद हमारा जो वो था थॉमस एंड कुक का जो ऑपरेटर हमारे साथ चल रहा था, उसने हमें सबको बोल दिया कोई एक अक्षर भी नहीं बोलेगा। फिर हम नीचे उतरे, 3 ड्रॉप साइलेंस, वहाँ गए, हमने पूछा हुआ क्या क्या, थॉमस कुक वालों ने जान लड़ा दी अपनी पूरी, उन्होंने वहाँ पे ब्रिटिश लंदन गवर्नमेंट को वो दे दिया कि हम अपनी सारी वो बंद कर देंगे। वो भी डरते हैं, हमको पता है थॉमस कुक कितना वो लाते हैं हमारे पास लाते। हमें वहाँ पे रस्ते में राजमा सर्व किए गए थे,
वो अंकल जी के वर्षन के हिसाब से कि मेरे राजमा सूखे सूखे आए थे, मैं उसकी तरी लेने के लिए अंदर चला गया तो उनकी किचन नहीं होती, बेटा हमें वो दे दो थोड़ी करी दे दो राजमा की, मेरे से खाए नहीं जा रहे, और जाके उसके सर के ऊपर हाथ रखा, उसने शायद तरी दी तो उन्होंने अपनी तरफ से उसको आशीर्वाद दिया। लास्ट डे हमने जर्मनी से सबने वापस आना था, हम लाइन में खड़े हो रहे, जब अंकल जी की लाइन आया नंबर, उन्होंने वहां से ब्लैक लिस्ट कर दिया कतार ने कि ये हमारी एयरलाइन से नहीं जा सकता। हम तो सारे घबरा गए, वो वापस कैसे आएंगे, आंटी का रो रो के पूरा हाल। फिर वो हमारा टूर ऑपरेटर बड़ा अच्छा था, कहता डोंट वरी मेरे को पैसे दे दो, 75,000 पता नहीं 80,000 रुपीज चाहिए थे, सबने जिसके पास जितने पैसे थे सबने वहाँ इकट्ठे करके रख दिए, और उसको पता नहीं बेस्ट एयरलाइंस की कोई टिकट मिल गई, उसको एक पासपोर्ट पकड़ाया, अंकल जी वहाँ वहाँ बेस्ट एयरलाइंस, यहाँ बैठो चुपचाप वहाँ उतरना, कोई तरी मांगने की जरूरत नहीं, जो आपको मिलेगा चुपचाप खा लेना। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी, आज का दिन हम करते हैं अभी ख़त्म, रात के बज गए हैं 10, मेरे को भी थोड़ा सा ऑफिस का काम बाकी है, थोड़ा सा ऑफिस का काम ख़त्म करते हैं और उसके बाद फिर हम चुपचाप सो जाएंगे। कल सुबह मेरे को और जेशी को जाना है एक बार हॉस्पिटल, एक मेडिकल टेस्ट करवाने, और फिर वो देखते हैं यार एक बार कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल जाना डेंजरस है, लेकिन क्या करें, एक टेस्ट करवाना भी ज़रूरी है। सो लेट्स सी, सी यू टुमारो विथ येट अनदर डे इन आवर लाइफ, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्लीज़ अपना मास्क लगा के रखना। ओके, बाय।